गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों ये है जखौल और यहाँ के छोटे छोटे घर, ये आप देख सकते हैं। मैं एक ड्रोन शॉट लेके आपको दिखा दूंगा। बड़ी मुश्किल से धूप मिली है, मैं नहा धो के रेडी हुआ हूँ। यहाँ पे कॉमन वॉशरूम होते हैं और लकड़ी के छोटे छोटे घर होते हैं। ये राजमा की खेती यहाँ पे बहुत होती है और राजमा यहाँ बहुत ज़्यादा उगता है। और इस तरीके से आप राजमा देखोगे हर जगह, लोगों ने अपने घरों के बाहर रख रखा है और सूखा रखा है और छतों पे भी डाल रखा है सूखने के लिए। तो ये सब राजमा है। बाकी एक ड्रोन शॉट से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है। और एक मंदिर के भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। छोटा सा एक मंदिर भी यहाँ पे है जहाँ पे अभी हम जाएंगे और मैं आपको वहाँ की वीडियो दिखाता हूँ। और बाकी एक स्नो पीक माउंटेन्स, वो तो शायद आपको मैं ड्रोन शॉट में ही दिखाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर ये देखिए मेरे घर की, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ की एंट्री। यहाँ पे सब लोग अपने अपने जूते बाहर उतारते हैं और घर के अंदर कोई नहीं लेके जाता। लकड़ी के घर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसमें ठंड ना लगे लोगों को, वरना यहाँ ठंड बहुत होती है। कंक्रीट के घर जो हैं वो बोला जाता है कि बर्फ़ में उसमें ठंड ज़्यादा लगती है और सीमेंट सोख लेता है कि क्या होता है पता नहीं मुझे एग्जैक्टली। पर ये देखो अपना बेडरूम है और यहाँ हम कल रात सोए और यहाँ से आगे जूते अभी अलाउड नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। और इसी तरीके से घर यहाँ बनाए जाते हैं। दो ही पावर स्विच हैं, सबकी बैटरियाँ यहीं चार्ज करनी है। सोलर लाइट्स भी यहाँ गांव में आ चुकी हैं। ये देखिए और ये छोटे छोटे बाथरूम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बनाए जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। गीजर अभी इस गांव में आई नहीं है तो ये लोग रॉड से पानी गर्म करते हैं और उसके बाद हमें दिया जाता है, हमारी पूरी शूटिंग की टीम को। और एक दो पक्के घर भी अब दिखाई देने लग गए, पर वरना यहाँ पे लकड़ी के घर ही कारगर हैं। और हर जगह होम स्टेज का यहाँ पे चलन शुरू हो चुका है, तो होम स्टेज के रूप में यहाँ पे लोग अपने अपने घर देते हैं। गांव में हर घर का एक ऐसा स्टोर रूम होता है जिसमें ये सर्दियों के लिए सारा सामान सामग्री रखते हैं ताकि बर्फ़ में इन्हें बाहर ना जाना पड़े। आवाजाही बाहर शहर से इसकी टूट जाती है और यहाँ से अपने अपने घर का सामान निकाल के ये अपने अपने घरों में रखते हैं। एक तरह से स्टोर रूम है, इसको गाँव की भाषा में कुछ और भी कहा जाता है, पर ये अभी तो मुझे स्टोर रूम ही पता है। ये सेब का पेड़ और स्कूल के बच्चे स्कूल जाते आते हुए। स्कूल भी आना पड़ेगा ना।
तो ये थी जखौल विलेज की पूरी वीडियो, इस तरीके से दिखता है कुछ उत्तराखंड का ये जखौल। और अपनी फिल्म की शूटिंग अगर मैं आपको दिखा पाया तो मैं दिखाऊंगा अभी बीच बीच में, वरना तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए सफ़र में। और ओवर एंड आउट।